हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मेरा काम 7:30 तक हो गया है, क्योंकि मुझे 7:50 तक कहीं निकलना है। इसलिए मेरा काम आज जल्दी जल्दी हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो अभी पहले मैं बेड को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बेड ठीक करना बाकी है। तो फिर आप लोगों से बात करती। तो मैं प्रिया आपको अपने YouTube चैनल इट्स प्रिया में स्वागत करते हैं। और मयंक बैग ठीक किया था सुबह में, तो उसका एक नोटबुक भी बेड पर रख गया था और पेपर पढ़ लिए हैं। और उस रूम से टीवी रूम में बैठकर सोफा पर पेपर पढ़ते हैं, तो वहां से पेपर पढ़ने के बाद लाकर बेड पर रख दिए थे। तो मैं पेपर को रख दिया अपनी जगह पर जहाँ पर पेपर रखते हैं, और नोटबुक को भी मयंक के जहाँ पर बुक नोटबुक रहता है वहाँ पर रख दी। और आज जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि जाना है, 7:30 हो चुका है और 7:50 में हम लोग को निकलना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा बेड ठीक हो गया है, अभी सारा काम हो गया है क्लीनिंग वगैरह के, और नाश्ता भी सब बन चुका है। केवल बेड ठीक करना था और किचन में गैस और स्लेब साफ करना है, क्योंकि गैस और स्लेब सुबह में गैस थोड़ा सा साफ कर देती हूँ उस बनाने से पहले, उसके बाद फिर बनाने के बाद अच्छे से साफ करती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने में आटा थोड़ा ज़्यादा ही मुझसे गिरता है, तो इसलिए मैं बाद में साफ करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिए। तो फिर देखिए मेरा यहाँ गैस स्लेब सब साफ हो चुका है। इसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी और फिर रेडी हो जाऊंगी, और उधर से आने के बाद ही नाश्ता करूंगी, क्योंकि नाश्ता के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं मयंक के स्कूल, मयंक के लेने के लिए, क्योंकि आज उसके स्कूल में CBSE बोर्ड का एग्जाम है। तो उसका स्कूल आज 8:30 तक ही छूट जाएगा, तो इसीलिए हम लोग 7:50 तक निकले हैं, क्योंकि उसका स्कूल हम लोग के घर से दूर है, तो जाने में भी टाइम लगेगा और थोड़ा एग्जाम के टाइम है तो ट्रैफिक भी हो सकता है, इसलिए हम लोग थोड़ा समय से पहले ही निकल गए हैं। और देखिए मैं मार्केट को दिखा रही हूँ आप लोगों को। अभी ज़्यादातर मार्केट दुकान वगैरह बंद है, क्योंकि अभी 7:50 हुआ, रोड भी खाली खाली दिख रहा है। हम लोग टाइम से पहले ही स्कूल लगता है पहुँच जाएंगे। तो हम लोग आ गए मयंक के स्कूल के पास और टाइम से पहले ही आ गए, और मयंक के पापा अभी गेट के पास गए हैं। अभी गेट खुला नहीं है, क्योंकि स्कूल में छुट्टी हुआ नहीं है। हम लोग थोड़ा टाइम से पहले ही घर से निकले थे कि कहीं ट्रैफिक मिल जाए तो फिर लेट हो जाएगा, तो बच्चा इंतजार करते रह जाएगा। आज उसको बोल दिए थे कि हम लोग आएंगे, तो वो वैन से भी नहीं आता, तो इसलिए हम लोग टाइम से पहले निकले। और हम लोग को लगा कि आज CBSE का +2 का एग्जाम भी है, तो कहीं ट्रैफिक ना हो, इसलिए हम लोग टाइम से पहले आए। तो यहाँ टाइम से 10 मिनट पहले पहुँच गए, अभी इंतजार कर रहे हैं। और देखिए स्कूल का ये भी मयंक का यही स्कूल है, तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा रही हूँ। और यहाँ पर वैन बाइक कार लगा हुआ है, सभी पेरेंट्स आए हुए हैं, वैन वाले भी आए हुए हैं। और मयंक का छुट्टी हो गया, मैं उसके स्कूल के अंदर जा रही हूँ, गेट खुल गया है। मैं गेट के अंदर आ गई थी, मयंक को लेके जा रही हूँ। देखो मैं लोग मयंक के लेके आ गए, और मयंक का दोस्त भी है। देखिए दोनों हाय बोलो। मयंक तो हाय ऐसे बोल रहा है, लगता है जैसे भूखा हुआ है, खाना नहीं खाया है। हाँ, भूख लगा है बहुत जोर से। उस लोग इन लोग को लेके जाते हैं घर, फिर आपसे वो से घर में मिलते हैं। ये आ गया था, तो हम लोग स्कूल से निकल गए हैं। अभी इसके पापा को ऑफिस भी जाना है, तो जल्दी जल्दी हम लोग घर जाते हैं, फिर आपसे आप लोगों से घर में जाकर मिलते हैं और बात करते हैं। तो आप ऑफिस वापस आए हो? मयंक कहीं भी जाता था ऐसे खड़ा ही रहता है, सीट पर बैठता नहीं है। देखिए ये खड़ा ही जाएगा गाड़ी में, कभी बैठता नहीं है सीट पर। तो देखिए हम लोग आ गए घर, और मयंक भी आ गया, और मयंक चिल्ला रहा है। पहले फैन ऑन कर लेती हूँ, बहुत गर्मी है। टिफिन वगैरह पहले निकाल लेती हूँ।
इसका बैग रख देती हूँ। और देखिए फिर मैं यहाँ आ गई किचन में और दाल में तड़का लगाई, फिर हस्बैंड को नाश्ता देने लगी क्योंकि 9 बज चुका था, तो अभी हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी, फिर उनका लंच बॉक्स पैक करूँगी, बॉटल में पानी भरूँगी और फिर मैं अंक को भी नाश्ता करवा दूँगी और मैं भी नाश्ता कर लूँगी क्योंकि मैं भी नाश्ता करके नहीं गई थी, उस समय नहा के निकली और जल्दी से चली गई। तो यहाँ पर मैं खीरा काट रही हूँ क्योंकि गर्मी में खीरा खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और अभी तो खीरा ककड़ी बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, तो इसीलिए हम लोग खीरा ले आए थे और अभी खीरा को काट लूँगी तो हस्बैंड भी खा लेंगे और मैं भी खाऊँगी। और मयंक नहीं खाता है खीरा, उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं उसको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। यहाँ पर देखिए दाल में मेरा पानी कम गया था तो अभी वही थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ दाल में डालने के लिए, और उसको जब गर्म हो जाएगा तो डाल दूँगी, फिर हस्बैंड को नाश्ता दूँगी, तब तक मैं खीरा को काट लेती हूँ। और यहाँ पर मेरा देखिए पानी गर्म हो गया तो मैं उसको अभी दाल में डाल दूँगी, और खीरा भी कट गया है तो अभी हस्बैंड के लिए नाश्ता निकाल दूँगी। अब उनको नाश्ता ले जाकर दे देती हूँ और उनका लंच बॉक्स बॉटल सब पैक कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं उनको दूँगी नाश्ता और मैं भी कर लूँगी। कपड़ा वगैरह चेंज कर ली, मैं अंकल नाश्ता करवा दी और मैं भी नाश्ता कर ली, फिर नाश्ता के बर्तन वगैरह भी धो ली, सारा काम हो गया जो भी था नाश्ता के बाद वाला सब काम खत्म हो गया। अब जा रहे हैं, थोड़ा बहुत मैं अंकल याद करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर वगैरह क्योंकि उसका एग्जाम है। और देखिए मैं जो कल नेल पॉलिश लगाई थी वो रात में भी मैं कितना काम, सारा काम जो होता है खाना बनाने का बर्तन धोने का सारा काम की थी, लेकिन देखिए बिल्कुल नहीं हटा, सुबह भी मैं सारा काम की हूँ, बर्तन धोई हूँ और जो भी काम होता है सब की हूँ, तो देखिए बिल्कुल भी नहीं हटा है नेल्स पर से। तो फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, तब तक थोड़ा मैं उनको क्वेश्चन आंसर रीड करवा देती हूँ और थोड़ा याद करवा देती हूँ उसको, वो अकेले करेगा नहीं, फिर मुझे बैठना पड़ेगा। हाँ देखिए मयंक को पढ़ाते पढ़ाते लंच के टाइम हो गया तो मैं किचन में आ गई चावल बनाने के लिए, और मैं बाल को भी इस तरह से लपेट ली हूँ कि लग रहा है बहुत अजीब सा क्योंकि गर्मी बहुत है और मुझे नींद भी आ रही है, थकावट के कारण नींद आने लगा, तो इसीलिए मैं क्या बच्चे, लेकिन हम लोग क्या करें, हाउस वाइफ पर ही तो बच्चों की जिम्मेदारी है, सुबह उठो उसको उसका लंच बनाओ, फिर उसको तैयार करके स्कूल भेजो, स्कूल से आने के बाद उसका होमवर्क चेक करना, उसका एग्ज़ाम है तो उसके साथ बैठना, ये सब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग उसके साथ पूरा 24 घंटा रहते हैं बच्चे के साथ, उसके पापा तो रह नहीं सकते, वो तो ऑफिस जाते हैं, तो हम ही लोग को करना पड़ेगा ना, इसलिए तो फिर क्या, हाउस वाइफ की ही सारी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर देखिए हम लोग का खाना पीना हो गया और हम लोग सोने के लिए आ गए, तो मयंक बोल रहा है कि मयंक के साथ बहन में हर्षित जाता है और अमृत जाता है, दो बच्चे मोहल्ले से ही जाता है, साथ में लोग बहन पर जाता है और इसका दोस्त भी है, हालांकि वो लोग सिक्स्थ में एक पढ़ता है एक सेवन्थ में पढ़ता है, लेकिन हर्षित और अमृत इसका दोस्त भी है, बोलता है कि उन लोग के साथ जाते हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं, मस्ती करते बहन में,
जाते हैं और यही सब बातें बताता है। स्कूल से आते ही जो स्कूल में होता है सारा बात वो मुझसे बताएगा, फिर शाम में पापा आएंगे तो उनसे बताएगा। और यहाँ पर देखिए लाइट हम लोग बंद कर दिए हैं क्योंकि दिन के लाइट ऐसे ही आता है, तो हम लोग पर्दा भी खिड़की में लगा दिए हैं और लाइट भी बंद कर दिए हैं ताकि अच्छे से हम लोग सो पाए।